फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास और साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा, मुहावरा, लोकतोयां या प्राचीन भारत का इतिहास। तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्रैक्टिस सेट 3 है आपका, अति संभावित प्रश्न जो कि आपके CGPSC और व्यापम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। ये सभी नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लाऊंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ये तीनों ही सब्जेक्ट, छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मुहावरा, ये तीनों ही आज रात है ना 8:30 बजे और 7:30 बजे की क्लास में लगने वाली है, ठीक है। जो लोग व्यापम PSC जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम तीनों ही सब्जेक्ट की आज क्लास देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा, मुहावरा, लोकतियाँ। प्रैक्टिस सेट 3 है, यानी कि प्रैक्टिस 1, 2 और 3 क्लास हो चुकी है, ये तीसरा है, देख सकते हैं 8:30 बजे, ठीक है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब किया है उसी को अब मैं नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग व्यापम PSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से हम देखेंगे बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के देख लेते हैं, मैं पूरा आंसर टिक लगा दिया हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अति संभावित प्रश्न है, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही आप सभी के लिए कहना चाहूँगा कि जो PSC प्री एग्जाम का है उसका आपको 12 फरवरी को है, कब है 12 फरवरी को, ठीक है, कब है 12 फरवरी को इसका एग्जाम है CGPSC प्री का, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, सो क्लास स्टार्ट करें। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लोग जुड़ चुके हैं। आज हम बौद्ध धर्म से 15 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म से। उसके बाद जैन धर्म का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, देखिए मैं आंसर पहले से टिक लगा चुका हूँ, किसी को आपको कठिनाई होगा तो आप, दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक आपका आ जाएगा गौतम बुद्ध, आंसर बी होगा। देखिए ये जो चिन्ह है, मैं आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। मैं डायरेक्ट आंसर टिक लगा दिया हूँ, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है कौन है, गौतम बुद्ध। और ऋषभ देव भी है, प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, ठीक है, प्रथम तीर्थ कौन है, ऋषभ देव, ठीक है। चलिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जो विवाह हुआ था कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, आप सभी को मालूम है, पिछले कक्षाओं में हमने देखा है कि महात्मा बुद्ध का जो विवाह हुआ था गौतम बुद्ध का, वो 16 वर्ष की आयु में हुआ था, किसके साथ हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा। हाँ बिल्कुल, किसके साथ हुआ था बुद्ध का विवाह और उसके पुत्र का नाम क्या था, ठीक है, बुद्ध के यानी कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था कमेंट करके बताइएगा, है ना, और उसकी पत्नी का नाम भी बताइएगा। चलिए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में कौन सी भाषा में, हाँ, को उपदेश दिया था, तो ये आपका आ जाएगा पाली भाषा, ठीक है, क्या आएगा, पाली भाषा, ठीक है। अगर कहीं पर आंसर में आपको डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, जो तृतीय बौद्ध संगति आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। तो आप बताइए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि प्रथम संगति, ठीक है, प्रथम संगति कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने निरंतर 6 वर्ष की कठिन तपस्या किस वृक्ष के नीचे की थी जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये आप सभी को मालूम है पीपल वृक्ष, ठीक है, पीपल, ठीक है, पीपल का जो वृक्ष है वहाँ पर निरंतर यानी कि लगातार 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
अब देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के जो अवशेष को कितने भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण किया है। तो देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके भागों को बांटकर आठ भाग में, कितने भाग में, आठ भाग में बांटकर उसका निर्माण किया गया है। अब देखते हैं भारत से बाहर बौद्ध धर्मों को फैलाने का जो श्रेय है ये कौन से राजा का है? सम्राट अशोक का। ठीक है, सम्राट अशोक कौन सा है? सम्राट अशोक का। जो लोग CGPSC प्री एग्ज़ाम और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ही क्लास है। ठीक है, देखिए धार्मिक जुलूस की जो शुरुआत सबसे पहले किस धर्म में की गई थी? जो धार्मिक जुलूस निकाला गया था सबसे पहले आपका बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म में की गई थी। जैसे कि ऑप्शन सी है, मैं टिक लगा चुका हूँ। ओके, चलिए ये गूगल ने विज्ञापन बंद कर दिया गया है, या ये कहाँ से कैसे कैसे कुछ भी आ जा रहा है, देखा। चलिए राहुल के पिता का नाम क्या था? राहुल के पिता का नाम, एडवाइस कुछ भी दे देते हैं यहाँ पर, राहुल के पिता का नाम क्या था? राहुल के पिता का नाम आपका सिद्धार्थ है। ठीक है, राहुल के पिता का नाम सिद्धार्थ है। अब सिद्धार्थ कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ये उसका बचपन का नाम है। ठीक है, बचपन का नाम है सिद्धार्थ, राहुल के पिता हैं। ठीक है, सुधोधन क्या है? उसकी माता है। ठीक है, मायावती। चलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कौन से स्थान पर हुई थी? तो ये आप सभी को मालूम है, देवरिया। ठीक है, क्या है? देवरिया। ओके, चलिए गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या थी? सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी थी। कौन सी थी? गौतमी। इसकी कौन थी? सौतेली माँ थी। ठीक है, उसका लालन पालन किया गया था। उसकी माता का नाम माया देवी थी और ये गौतमी जो है सौतेली माँ थी। ठीक है, और यशोधरा कौन है? उसकी पत्नी। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें क्या कहते हैं? भिक्षुक कहते हैं। ठीक है, देखिए लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये लाइट ऑफ एशिया ने एशिया का पुंज बोलते हैं। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो दूसरे गुरु का नाम रुद्र कराम था, पहले गुरु का नाम अलार कलाम, अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम था, पहले गुरु का नाम अलार कलाम, दूसरे का नाम है रुद्र कराम। ठीक है, चलिए ये टोटल हमने 15 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से देखे थे, अब हम जैन धर्म से देखेंगे। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन जैन धर्म से, ये 15 क्वेश्चन आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है, उसके बाद भारत का प्राचीन इतिहास देखेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला था। ठीक है, उसके बाद लोथल, कालीबंगन ये सब देखेंगे। ओके, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है आप कमेंट करके बताइएगा। पहला ऋषभदेव या आदिनाथ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महावीर स्वामी से संबंधित कौन से युग्म सही नहीं है। तो देखिए जन्म 599 कुंडग्राम में हुआ था, बिल्कुल गलत है। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, सुमेलित नहीं है, युग्म सही नहीं है पूछा गया। ठीक है, अब पत्नी यशोधरा, पुत्र प्रियदर्शनी या केवल या ऋजुपालिका नदी की साल वृक्ष, स्वामी के लिए पूछा गया, महावीर स्वामी के लिए, या इनमें से कोई नहीं, तो ये आ जाएगा। चलिए जैन धर्म तीर्थकर तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये ऋषभ देव का जो अरिष्टनेमी है ये विष्णु भगवान के लिए माना गया है, भगवान से संबंधित है ना, तो ये आपका ऋग्वेद में आएगा। किस जैन तीर्थ को नारायण का अवतार माना गया है? तो ये आप सभी को मालूम है, अभी मैं आपको बताया था।
नारायण को आपका ऋषभ देव आंसर सी होगा। इसके बाद जैन मत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ में कल्प सूत्र का लेखक कहाँ मिलता है? जो कल्प सूत्र है आपका भद्रबाहु में मिलता है। अब बात करें जैन धर्म के तीन सिद्धांत है उसको त्रिरत्न कहा जाता है। ये कौन कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और एक है सम्यक, क्या आएगा जल्दी से बताइए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ठीक है। चलिए पार्श्वनाथ जैन धर्म में कौन से तीर्थकर थे? जो पार्श्वनाथ है आपका 23वें तीर्थकर है और जो 24वें तीर्थकर है आपका महावीर स्वामी जी हैं। एक मिनट ना, ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर आएगा आपका महावीर स्वामी जी, ठीक है। महावीर स्वामी जी है आपका 24वें तीर्थकर, जबकि 23वें तीर्थकर आपका पार्श्वनाथ है और पहले तीर्थकर आपका कौन सा है? ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव जी हैं, ठीक है। एक मिनट ना, ये ऋषभ देव जी हैं, ठीक है। प्रथम जैन सभा किसके शासनकाल में हुआ था? यह आपका आ जाएगा चंद्रगुप्त, कौन सा है? चंद्रगुप्त, ठीक है। अब देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक प्रथम जैन संगति के बारे में सत्य है। तो देखिए पहला जैन संगति है आपका कौन सा है जो सत्य पूछा गया है, तो आप बताइएगा। जो देखिए यहाँ पर जो ऐसा है कि संगति के बारे में, तो ये शासनकाल में आयोजित पाटलिपुत्र में हुई थी, कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, ये सही है। दूसरा है इनमें से जैन संप्रदाय दो समूह में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ये भी बिल्कुल सही है। श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर पीला वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। यह सभा जैन धर्म उपदेशों के संकलन हेतु आयोजित की गई है। देखिए ये कहाँ से लिया गया है? आपका भद्रबाहु से लिया गया है, ठीक है। ये श्वेतांबर जो है आपका स्थूल भद्र आएगा, ठीक है। ये जो श्वेतांबर है ये वाला स्थूल भद्र से लिया गया है और ये आपका भद्रबाहु से लिया गया है, ठीक है, भद्रबाहु नोट कर लीजिएगा, ये सभी सही हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? 8 तिलियों वाला पहिया, ठीक है, क्या आएगा? 8 तिलियों वाला पहिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रचार किया गया था? पाली, ठीक है, क्या आएगा? पाली भाषा के लिए किया गया था। अब बताइएगा निम्न में से कौन सा एक गौतम बुद्ध के बारे में सम्मिलित नहीं है? ये आप देख सकते हैं 563 ईसा पूर्व में पालन पोषण मौसमी गौतमी ने किया था, या फिर उरेवेला एक वट वृक्ष निरंजना यानी कि पुनपुन नदी में किनारे प्राप्त हुआ था। इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर मैं आप सभी को बता दिया था, ये सभी सही हैं। ये क्वेश्चन को छोड़ दो, चलिए ये वाला देखते हैं। कौन सी बौद्ध संगति के बौद्ध धर्म दो भागों में यानी कि हीनयान महायान में बांटा गया है? तो ये आपका चतुर्थ है, ठीक है, चौथा वाला पाठ है, ठीक है। और बौद्ध धर्म की शाखा के अनुयायी एक महापुरुष मानते हैं भगवान नहीं तथा मूर्ति पूजन विश्वास रखते हैं, ये आपका हीनयान होगा, महायान नहीं है, हीनयान है। महाविनिष्क्रमण काल किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में बार बार पूछता है, महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो ये जो बुद्ध द्वारा भौतिक जगत का परित्याग है ये आपका भानिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न नहीं थे, कौन कौन नहीं थे? तो ये सब थे बुद्ध धर्म संघ, ये थे लेकिन नहीं है पूछा गया है, आपका बोधिसत्व है जो नहीं है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ये आपका धम्मपद है, धम्मपद जो बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र माना जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन, ठीक है।
तो भारत को इंडिया नाम किसने दिया है? तो ये आपका यूनानी ने दिया है, आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए ऋग्वेद के वालिख्य पाठ में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में 11, ठीक है 11 आएगा। चलिए ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किस मंत्र का उल्लेख किया गया है, जल्दी से बताइए, क्या आएगा इसका आंसर? ए बिल्कुल सही है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग के बाद क्या स्थान है? सामवेद, अथर्ववेद, अथर्य, शतपथ, ब्राह्मण, क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा? शतपथ, ब्राह्मण बिल्कुल सही है। जितने लोग आंसर डी दिए हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। पुराणों में कितने पुराणों में से राजाओं को वंशावली पाई जाती है? कितने हैं जल्दी से बताइएगा? 5 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित चीनी में भारत आने वाला अंतिम यात्री कौन है? अंतिम यात्री पूछा गया है तो इत सिंह, ठीक है इत सिंह। पहला आपका फ्यान है, पहला आपका फ्यान, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद संयुगन है, ये स्टेशन, ये सब लास्ट में आया है, ठीक है लास्ट में। कयूर तथा तैयूर की रचयिता ताराना। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? सबसे पहले ये आपका आएगा हाथी गुफा का अभिलेख में मिला है सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए अरबों को सिंध विजय के वितांत चचनामा का लेखक यह आपका आएगा अली अहमद, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कहाँ से होता है? ये आपका कल्पसूत्र से, जैन धर्म का जो इतिहास आपको मालूम होता है कल्पसूत्र से। किसे प्रिंस ऑफ पिलिंग्स कहा जाता है? यह आपका हेनसांग आएगा, हेनसांग को पिलिग्रिम्स कहा जाता है, ठीक है पिलिग्रिम्स। निम्न में से किसे सिकंदर की जीवनी लिखी थी? ये आप सभी को मालूम है आने सीक्रेट ने लिखी थी। अब महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत का ये आपका आश्वलयन गृह सूत्र में मिलता है, ठीक है आश्वलयन गृह सूत्र में। आहत के सिक्के अधिकतर किस धातु के बने होते हैं? आहत का जो सिक्का है आपका अधिकतर चांदी के धातु से बने होते हैं। अल्लोपनिषद की रचना किस काल में हुई थी? यह लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल से पूछा गया था। यह आपका अल्लोपनिषद रचना मुगल काल से हुई थी। टोटल आज हमने देखा है 15 क्वेश्चन पहले देखा था जो बौद्ध धर्म से, उसके बाद 20 क्वेश्चन जैन धर्म से, उसके बाद 15 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से, ठीक है। इसका जो पार्ट फोर वीडियो आएगा आपका लोथल, कालीबंगन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास के लिए।